किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा स्थित गांधी प्रतिमा पर मौन धरना दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपनी सरकार रहते किसानों के साथ धोखा देने वाले अब धरना दे रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के सभी विधायक ट्रैक्टर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ विधानसभा की ओर कूच करने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए विधानसभा सत्र स्थगित हो गया, जिस कारण कांग्रेस विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर मौन धरना दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के विधायक खिलौने के ट्रैक्टर हाथ में पकड़े रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा केंद्र की कृषि बिल काला कानून है और कांग्रेस किसानों के हक की इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। कांग्रेस विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार जिन बिलों को लाई है उससे किसानों का भला होने वाला नहीं है, ये बिल बड़े उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए लाए गए हैं। कांग्रेस के धरने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों से झूठ बोलकर जीतकर आए और कर्ज माफी ना कर धोखा देने वाले अपने प्रायश्चित के लिए गांधी जी के सामने मौन धरना दे रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खिलौने का ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों से कोई खुश हो या ना हो, लेकिन उनके प्रमुख नेता राहुल गांधी जरूर इससे खुश नजर आएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा एमपी के बाद पश्चिम बंगाल की जनता मन बुझा चुकी है कि ममता बनर्जी की भ्रष्ट सरकार को अब उखाड़ फेंका जाए। कांग्रेसियों के उम्रदराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के वयोबद्ध कांग्रेसी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नया तरीका खोजा, पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना, खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा, शायद इटली से लौटा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।